अरे महेश जी। हाँ जी। क्या हो गया? हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया सर। क्यों? चार दिन से लगातार बारिश हो रही है। बेसमेंट वाले गोडाउन में सब फर्नीचर रखा था, वहाँ भी पानी भर गया। अरे महेश जी, मैंने आपको फर्नीचर को पानी से बचाने के लिए एक शील्ड लाकर दी थी, वो इस्तेमाल किया आपने? शील्ड? कौन सी शील्ड? अरे जीवन जोड़ वाटर शील्ड, ये वाला डब्बा यूज किया आपने? हाँ सर, इस्तेमाल तो किया था। हाँ तो फिर जाने दो, क्यों टेंशन ले रहे हो, होने दो जितनी बारिश हो, आओ। ठीक है सर। ध्यान रखिए, दोनों सरफेसेस की अच्छे से सैंडिंग कीजिए, जिससे दोनों सरफेस साफ हो जाएंगे और कहीं भी कोई ऑयल, ग्रीस या डस्ट पार्टिकल नहीं बचेगा। ऐसा करने से सबस्ट्रेट अच्छे से चिपकेंगे और कहीं एयर बबल नहीं बनेंगे। जीवन जोड़ वाटर शील्ड का पैक खोलें और एडिसिव को अच्छे से मिक्स करें। सबसे पहले लैमिनेट या माइका जैसे नॉन पोरस सरफेस पर एक यूनिफॉर्म या सामान्य तरीके से जीवन जोड़ वाटर शील्ड लगाएं और उसे स्प्रेड करें। उसके बाद ही लकड़ी पर एडिसिव को लगाएं। जीवन जोड़ वाटर शील्ड लगाने में एकदम स्मूथ और आसान है, साथ ही इस्तेमाल करने में बिल्कुल सेफ भी है। दोनों सर्फेसिस को साथ में लाएं, ठीक से अलाइन करें और बीच से शुरू करते हुए साइड्स तक एक सामान्य प्रेशर लगाएं। ऐसा करने से बीच में फंसे बबल्स निकल जाएंगे। कोनों से निकलने वाले एक्स्ट्रा एडिसिव को एक गीले कपड़े से साफ कर दें। सही अलाइनमेंट के लिए जीवन जोड़ की मास्किंग टेप का इस्तेमाल जरूर करें। सिर्फ 4 से 6 घंटों में जीवन जोड़ वाटर शील्ड सूख भी जाएगा। फिर चाहे इस जोड़ पे पानी ही क्यों ना पड़े, ये जोड़ मजबूती से टिका रहेगा, ये पक्का है। तो जब भी फर्नीचर को पानी से बचाने की हो जरूरत, जरूर इस्तेमाल करें जीवन जोड़ वाटर शील्ड। राहुल जी, हम क्या सोच रहे हैं, अगली बार डिलीवरी के लिए ना रेनकोट छोड़ के जीवन जोड़ का वाटर शील्ड लेकर जाएं, पानी छू तक नहीं पाएगा। जीवन जोड़ वाटर शील्ड आपके फर्नीचर को पानी से बचाने वाला शील्ड पक्का है।